डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर जो कि इंदौर से आ रही है, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जन्मदिन के दिन खुद को मौत के हवाले किया। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का यह मामला है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जन्मदिन के दिन खुद को युवक ने मौत के हवाले किया। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का यह मामला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भारत पाटिल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी भारत, युवक के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है खुदकुशी करने की? जी बिल्कुल, बता दें पूरा जो मामला है इंदौर के सबसे रिहायशी एरिया है चौपन विजयनगर का, यहाँ का रहने वाला युवक है। बताया जा रहा है कि युवक का दो दिन पहले जो है पास ही में रहने वाले जो युवक होने हैं उनसे विवाद हुआ था। विवाद सिर्फ एक नई गाड़ी पर बैठने को लेकर के हुआ था, जिसके बाद युवक को काफी पीटा गया और पीटने के बाद में युवक काफी डिप्रेशन में चला गया और उसने आज सुबह ही इस तरीके कदम उठा लिया। अपने घर के बाहर चैनल गेट पर रस्सी से फंदा बनाया और उसपे आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। फिलहाल पूरे मामले में बताया जा रहा है, परिजनों से पूछताछ में भी बताया कि युवक का आज जन्मदिन था जिसके बाद में इस तरीके का कदम उठा लिया गया है। युवक का नाम रितेश बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में जो पुलिस है उसने मर कायम कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद और परिजनों से बयान के बाद ही स्पष्ट और भी हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहे हैं और क्या कुछ पूरे मामले की जांच वो पुलिस कर रही है। जी भारत, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।